साबित हो गया झूठ के पांव नहीं होते। तहकीकाती इदारे सच सामने ले आए। फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वाले मजीद अकाउंट्स का पता चल गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ भी फेक न्यूज फैलाई गई। लंदन में 14 अगस्त की तकरीब में शिरकत का दावा किया गया। आर्मी चीफ की वीडियो 2021 के दौरे यूक्रेन की है। पीटीआई कारकुन नवीद अफजल अकाउंट्स चलाने में शामिल। फेक न्यूज को 64,000 अफराद ने लाइक किया जबकि 9,000 ने रीट्वीट किया। कानून हरकत में आते ही गुमराह कुन मुहिम के पर्दे चाक। लैया के मुबीन हैदर ने भी सच उगल दिया। कहा पीटीआई सोशल मीडिया ट्रॉलर्स ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। इदारों के खिलाफ चीजें ना समझी और सियासी वाबस्तगी में आकर लिखी। अपनी गलती पर शर्मसार हूँ, आइंदा नहीं करूँगा। पीटीआई और फौज में तसादुम की साजिश हो रही है। तसादुम हुआ तो मुल्क में खून रेजी होगी। इमरान खान की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गुफ्तगू। कहा फौज अकेली मुल्क को इकट्ठा नहीं कर सकती। फौज मुल्क को इकट्ठा कर सकती तो मशरकी पाकिस्तान ना टूटता। हमसे न्यूट्रल्स इस माफिया हुकूमत को तस्लीम नहीं करा सकते। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई की इस्लामाबाद में रैली। सांस उखड़ रहा है, ना चलने फिरने में दुश्वारी। शहबाज गिल की कुछ देर पहले की अस्पताल की वीडियो ने भांडा फोड़ दिया। बगावत के मुलजिम का पिम्स अस्पताल में प्रोटोकॉल। कमरे में एसी, टीवी और सोफे की सहूलत मुयसर। अस्पताल से परहेजी खाना और फल भी फराहम किया जा रहा है। शहबाज गिल का ब्लड प्रेशर, शुगर और नब्ज की रफ्तार मामूल के मुताबिक है। साद रफीक, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और श्री मजारी पर मुश्तमिल पैनल बनाए। तीन रुकनी पैनल शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी करे। फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी पर एतबार नहीं, तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। हमें केसेस से कोई मसला नहीं मगर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस की शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात। तशद्दुद के इल्जामात पर बयान कलम बंद कर लिए। पुलिस ने डॉक्टर्स के बयान भी रिकॉर्ड किए। पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की खबरों को झूठ करार दे दिया। पुलिस को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। परवेज इलाही साहब जो हैं और इनकी पंजाब हुकूमत बनी गाला से रिमोट कंट्रोल से चलाई जा रही है। परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना है जिसकी चाबी इमरान खान भरता है और उसको छोड़ देता है। ये पुरानी आदत है इनकी चाबी वाला खिलौना बनने की। बस कर दें, इस मुल्क ने पहले ही बहुत नुकसान बर्दाश्त कर लिया। डट के इस फस्ताइयत का, इस इंतकाम का मुकाबला करेंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और ये मैं चैलेंज करता हूं, मेरे से कानूनी बहस कर लें, ये तमाम मुकदमात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, मनघड़त हैं, सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि शहबाज गिल के हवाले से ये बदला लेना चाहते हैं। परवेज इलाही खिलौना है, चाबी इमरान खान के पास है। पंजाब हुकूमत बनी गाला से चलाई जा रही है। वजीर आजम के मौवनी खसूसी अता ताड़ड़ पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा शहबाज गिल का बदला लेने के लिए हम पर मुकदमात बनाए गए। इंतकाम की रविश का खुमियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। राणा मशहूद बोले, लाडले की मनमानियां मुल्की मफाद में नहीं। पंजाब में गिरफ्तारी का खतरा। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। कहा हमारे खिलाफ झूठा बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया, सफाई के लिए पेश होना चाहते हैं। पुलिस को गिरफ्तार करने से रोकने की इस्तदा। पच्चीस मई को पीटीआई मार्च में तशद्दुद का मामला। डीआईजी ऑपरेशंस की सरबराही में इंक्वायरी जारी। मुलविस एसएचओस डीएसपी ज़ोहदों से फारिग। छोटे अफसर काबू आ गए, बड़ों के लिए बड़े ओहदे। एसपी मॉडल टाउन वकार अजीम का गुजरावाला तबादला। रिजवान तारिक एसपी सिविल लाइंस गुजरावाला तैनात। एसपी सिटी इखलाकुल्ला को सरगोदा भेज दिया गया। इमरान खान की बातें, मतलब इतने वो झूठ बोल चुका है शख्स, अब वो अगर कहीं कुछ सच भी होगा तो वो झूठ लगेगा, क्योंकि इमरान खान की मुकम्मल तौर पे सियासत जो झूठ से शुरू होती है और झूठ पे ख़त्म होती है, मुनाफ़कत से शुरू होती है, मुनाफ़कत से ख़त्म होती है, खुदगर्जी पे शुरू होती है, खुदगर्जी पे ख़त्म होती है।
और ये तो इमरान खान ही कहता था ना, कल मैंने देखा एक वीडियो जिसमें कह रहा था जी के एक कोई शख्स रो रहा था, तो इमरान खान ही कहता था ना कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो अब वो इनको नहीं रुलाऊंगा, वो खुद मेरे ख्याल रोने के टाइम है। इमरान खान ने सऊदी अरब में लोगों को इस्तेमाल किया, अब शहबाज गिल इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं कि मुझ पर कोई हाथ ना डाल सके। वजीर इत्तला सिंह शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है, 3.5 साल लाडला रहा, अब लाडले वाला ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। एनए 246 लियारी में ज़िमनी इलेक्शन, एमक्यूएम ने इमरान खान के कागजात नामजदगी की मंजूरी को चैलेंज कर दिया, कहा इमरान खान ने गोशवारों में जरई जमीन और बैंक स्टेटमेंट छुपाई, झूठा हल्फनामा जमा कराया, इमरान खान के कागजात मुस्तरद किए जाएं।